चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोजेक्टाइल, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 24 का प्रिंट आउट लेके जाएं प्लीज। हैंड रिटन शीट नंबर 24, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कई बार यहां तक मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि आप जब एक डेढ़ साल बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं आप कैसा फील करेंगे। कोई कहता है कि रेन एंड मैन मुश्किल लगता है, मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है कोई बात नहीं, है ही वो थोड़ा ट्रिकी और बड़ा कईयों को इरिटेट करती है उनकी स्टेटमेंट्स, बड़ी ज़्यादातर लोगों को करती है ऐसी स्टेटमेंट्स। आई कैप जे कैप ठीक लगता है, फिर भी कोई बात नहीं। कोई कहता है कैलकुलस में ना इंटीग्रेशन वाले जो एंड में क्वेश्चन हुए थे ना, बड़े मुश्किल से लगते हैं, कोई बात नहीं, आपने देख लिया मोशन 1D में कितने की इंटीग्रेशन चाहिए हमें, तो मतलब इतनी तो सबको आ गई कि काम चल जाएगा हमारा। इतनी तो इंटीग्रेशन यूज़ भी नहीं की जाती जितनी हमने की, पर क्योंकि हम बेस बनाते हैं शुरू में, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें, तो इसलिए बेस अच्छा बनता है। अगर हम करवाएंगे 8-8, 10-10 न्यूमेरिकल, तो फिर वहीं अटक, गाड़ी आगे जाके अटक ही जाएगी। सेम विद वेक्टर्स, कोई कहता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत है, कोई कहता है उसमें दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वेक्टर के ऊपर एज सच बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा ही नहीं। मेंस वालों को तो कभी कभी आता ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वेक्टर की एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है वो अब लगा के देखेंगे, तो जितना हमने वेक्टर्स किया वो मोर देन सफिशियंट है मेरे को लगता है। लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं है, बट हाँ इतना है कि आपकी गाड़ी अटकेगी नहीं एटलीस्ट। तो बीच बीच में टॉपिक मुश्किल लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी भी कोई रिसर्च नहीं करवाता कि कोई बहुत ही डीप में जाने की कि मेरे को एंड टू एंड आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको एक आइडिया पता होना चाहिए जब हम चैप्टर करते हैं। और फिजिक्स, क्योंकि अब मैं जब आप एडमिशन लिया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, बेस बिल्डिंग होगी, और ऐसा कुछ बोला करता था मैं कि फर्स्ट लेक्चर में तो नॉन मेडिकल में तो डिसाइड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। कुछ कुछ टाइम आने वाला है, और कुछ आज प्रोजेक्टाइल से आपको फीलिंग आएगी कि हाँ अब कुछ गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई है, और असली फीलिंग आपको नेक्स्ट वीक से फोर्स में आएगी जब आपको रियली फील होगा कि हाँ अब फिजिक्स स्टार्ट हुई। और बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग है फोर्स और उसके बियॉन्ड फिजिक्स, और अभी जस्ट बेस बिल्डिंग है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने उसमें लेक्चर में व्हाट्सएप पे डाला भी था, लास्ट ईयर का लेक्चर। कितने लोगों ने सुना वैसे? वो बहुत लोगों ने सुना, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आज, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ कुछ आता है। पर क्योंकि मैं हर साल कुछ कंटेंट चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने प्रोजेक्टाइल को भी थोड़ा पढ़ाने का ढंग चेंज किया। और लास्ट ईयर में मैंने शीट भी नहीं दी थी, हैंड रिटन आप देख रहे होंगे, पर इस बार मैं आज सुबह बना के लाया हूँ ये, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल है कि अगर मैं एक बॉडी को ग्राउंड से फेंकता हूँ, वो बॉडी ऊपर जाती है और वो बॉडी नीचे आ जाती है, ठीक, वो बॉडी ऊपर जाती है और बॉडी नीचे आ जाती है, ग्राउंड पे तो गिरेगी। और ये कौन सी मोशन है मुझे बताओ, 1D 2D की 3D? कितने लोग बोलते हैं 2D? मैंने पूछा क्यों, कोई स्टूडेंट बोलता कि सर देखो इसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं बॉडी के, x एंड y, z एक्सिस में तो मोशन हो ही नहीं रही, z एक्सिस का मतलब है बोर्ड के बाहर अंदर जाना, उसमें तो हो ही नहीं रही, इसलिए ये मोशन 2D मोशन है। हाँ सही बोल रहे हैं, 2D मोशन है, सही है। तो 2D मोशन को, 2D मोशन का मतलब इस बोर्ड के प्लेन में ये मोशन हो रहा है, ये प्लेन है एक पूरा। इसीलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम कई बुक्स लिखती हैं, मोशन इन अ प्लेन। हमने फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा जो पहला चैप्टर था, फिर मैंने बीच में यूनिट्स करवा दिया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन इन 1D एक ही बात है, अभी तक मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन है, अब क्या करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब मोशन इन 2D, कोई डाउट इसमें? तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन 2D स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक स्टोन गया या कोई भी बॉडी आपने फेंकी ऊपर से नीचे आया, और इसमें कोई इंजन नहीं लगा स्टोन में, कोई इसमें फ्यूल नहीं डल रहा, कुछ नहीं डल रहा, ये नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो स्पीड स्लो रही है, ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है तो स्पीड बढ़ती हुई नीचे आ रही है। और उसी तरीके से अगर मैं टॉप ऑफ बिल्डिंग पे खड़ा हो जाता हूँ, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है,
और मैं क्या करता हूँ, इसे वी वेलोसिटी से एक स्टोन को सीधा फेंकता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो जब मैं वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल स्टोन को सीधा फेंकता हूँ तो उस केस में क्या होता है, ये स्टोन कुछ बिल्कुल हल्के टाइम के लिए सीधा जाता है बट ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाता है। ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से साथ साथ ये आगे तो जाता ही जाता है, आगे तो जाते ही जाता है, साथ साथ नीचे भी उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोजेक्टाइल को जब सीधा फेंकते हो तो जैसे ही फेंकते हो वो इस तरीके से लैंड करता हुआ नीचे आता है, सच दैट वो आगे भी जा रहा है, आगे जाने से रुकता नहीं है, वो आगे भी जा रहा है साथ साथ नीचे भी उतर रहा है। तो इसमें भी 2D मोशन है, बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की मोशन, और इसमें ये नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है। तो इस केस में इस मोशन को भी क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर डिफाइन करना हो, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एनी बॉडी, कोई भी बॉडी, रॉकेट है, मिसाइल है, पत्थर है, कुछ भी, कोई भी बॉडी, विच वंस थ्रोन इन टू अ स्पेस, हवा में फेंकी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से फेंकी, चाहे ऊपर फेंकी, चाहे बिल्डिंग के टॉप से फेंकी, मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के चक्कर में वो मूव करती जा रही है नीचे की तरफ, विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई एनी इंजन या फ्यूल, अपने आप ही ग्रेविटी का इफेक्ट है, कोई इंजन या फ्यूल तो इसमें है नहीं। The path followed by projectile is called trajectory. ये जो रास्ता है, इस रास्ते का दूसरा नाम trajectory है। तो जैसे अगर कोई कहता है कि ये रास्ता, ये आपको दिख कैसे रहा है, इस शेप को मैथ्स में पैराबोला बोलते हैं, ये पैराबोलिक शेप है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं ऑब्वियसली, ये पैराबोलिक शेप है। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैथ्स में कि इसका पाथ कैसा है, तो आप बोलोगे पैराबोला। तो आज के बाद पाथ इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्ड trajectory, इसकी trajectory कैसे है, आप बोलोगे पैराबोला। तो पाथ का दूसरा नाम ट्रेजेक्ट्री है, कोई डाउट इसमें? तो प्रोजेक्टाइल समझ में आ रहा है क्या चीज है, किसी भी बॉडी को, पत्थर या कोई भी स्टोन, कुछ भी हो सकता है, जो कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करे और अंडर अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हम क्या करने वाले हैं इसमें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और जो मैं अब करवाने जा रहा हूं ये वाला पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से किसी वेलोसिटी से फेंका एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने उसको कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टल फेंका था, सीधा फेंका था, मैंने टेढ़ा या ऊपर नहीं फेंका, मैंने सीधा फेंका। तो प्रोजेक्टाइल मैंने सीधा फेंका, वो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से ये जर्नी कवर करता है। तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि वो कैसे मूव कर रहा है, तो उसने बोला कि ये प्रोजेक्टाइल आगे भी जा रहा है और साथ साथ ये नीचे भी उतरता जा रहा है। हाँ, बात सही है, वो आगे भी जा रहा है और वो नीचे भी आ रहा है, दोनों चीजें दोनों तरफ मूव कर रहा है, मोशन 2D है ना इसलिए, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने पूछा कि आगे जाने की कोई वेलोसिटी और नीचे आने की भी कोई वेलोसिटी होगी, वो कहता हाँ दो वेलोसिटीज हैं, आगे जाने की जर्नी अलग है, नीचे आने की जर्नी अलग है, पर मैंने कहा बॉडी तो एक ही है। उसने कहा देखो कुछ ऐसा हुआ कि आपने इस प्रोजेक्टाइल को सीधा फेंका था, मान लो ग्रेविटी ना होती तो ये प्रोजेक्टाइल हमेशा सीधा ही जाता रहता, ये नीचे बिल्कुल भी ना उतरता। नीचे इसलिए उतर रहा है बिकॉज इसमें ग्रेविटी का अफेक्ट है, ग्रेविटी नहीं है तो फिर ये सीधा ही चलता जाएगा, कोई डाउट है इसमें? तो मैंने पूछा कि इसकी फिर स्पीड का क्या होगा, तो उसने बताया कि स्पीड की जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कभी चेंज नहीं होगी। मैंने पूछा वो क्यों, क्योंकि स्पीड इसलिए चेंज होती है किसी बॉडी की जब हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कोई फोर्स। अगर एक बॉल आगे जा रही है, मैंने फोर्स आगे लगा दी तो मैंने उसको एक्सेलरेशन दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, कोई चलती हुई बॉडी को मैंने रोक दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स तो उसमें रिटार्डेशन हो गई। तो जब तक मैं फोर्स ही लगाऊंगा ना तब तक ना तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी ना ही कम होगी। अब अगर एक्स एक्सिस की बात करते हो, हॉरिजॉन्टल की बात करते हो, हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होती है, वाई एक्सिस में है, अर्थ आपको ऐसे खींच रही है, ऐसे नहीं खींच रही। तो इसीलिए अगर अर्थ ना होती तो यह बॉडी स्ट्रेट 10 10 10 की वेलोसिटी से मूव करती जाती। अब क्योंकि अर्थ है तो बॉडी कैसे फेंकी गई थी, इनिशियली सीधा हॉरिजॉन्टल, बॉडी की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब मैंने बॉडी को वाई एक्सिस में
नहीं भेजा था। इनिशियली मैंने उसको कैसे प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टली, और उसकी देखो आपको कैसे, ये दो दो वेलोसिटीज का क्या मतलब है, वेलोसिटी तो एक ही होती है, ऐसे समझ लो कि इस बॉडी के पास ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेट अस सपोज वी, ऐसे समझ लो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई। ऐसी यहां पर नेट वेलोसिटी तो कुछ और है, पर वी कैन डिवाइड, वी कैन रिजॉल्व दैट वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, ये याद रखना, एक्स की वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम। हम इस वी के साथ काम नहीं करते, हम ना कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंस्टेंट पर, दो इसलिए क्योंकि बॉडी आगे भी जा रही है तो आगे जाने की वेलोसिटी डिफरेंट है, और बॉडी नीचे भी उतर रही है तो नीचे उतरने की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो बॉडी आगे जा रही है, बॉडी नीचे उतर रही है, तो आगे जाने की वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो आगे जा रही थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, और क्योंकि रोकने वाला या चलाने वाली कोई फोर्स नहीं है एक्स में, तो एक्स की वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो जब बॉडी आगे जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन वर्ड इटसेल्फ का मतलब है कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की अगर 10 है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो बढ़ती 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 ही जाएगी। तो हमने अपने क्वेश्चन को दो एक्सिस में डिवाइड कर लिया, एक्स में अलग कर लिया, वाई में अलग कर लिया। कोई कहता है कि ये क्या बात बनी कि इस पॉइंट पर बॉडी की दो दो वेलोसिटीज हैं। हाँ बिल्कुल, दो वेलोसिटीज हैं, आगे जाने की वेलोसिटी डिफरेंट है, नीचे उतरने की वेलोसिटी डिफरेंट है। कोई कहता है टोटल वेलोसिटी बताओ, कोई बात नहीं, टोटल लो, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, ड्रॉ अ रिजल्टेंट। तो टोटल वेलोसिटी यहां पर क्या आएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर्स कितने एंगल पर है, 90। पॉइंट समझ में आ रहा है कि टोटल वेलोसिटी भी निकल सकती है किसी भी इंस्टेंट पर। यहां पर टोटल वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, ड्रॉ अ रिजल्टेंट, तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि आपने इस पूरी जर्नी को दो हिस्सों में बांट लेना है, एक्स में अलग बांटना है, वाई में अलग देखना है, और अगर कोई टोटल पूछेगा तो वेक्टर सम लगा देना, टोटल नहीं पूछेगा तो बोल देना कि बॉडी की एक्स की वेलोसिटी 10 है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, और वाई की वेलोसिटी चेंज इसलिए होगी बिकॉज देयर इज सम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट समझ में आया, तो इसीलिए मैंने आपको यहां लिख के दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी टॉप ऑफ द टावर से आपने एक बॉल को सीधा फेंका हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ऑलवेज रिमेंस 10, लेकिन वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग 2, 3, 4, 5, 6 करते 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 इंक्रीज। तो मैंने लिख दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एज देर इज नो एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है। इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन स्मॉल जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, याद रखना एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज कभी भी नहीं होती, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, 0 0 लिखा मैंने, वो देखो 0 एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डायग्राम में लिखा हुआ है। फिर देखते हैं, चलो फिर देखते हैं, सपोज करो इधर देखो, मान लो इस बार मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका और वो ग्राउंड पे गिरेगी, तो मान लो ये इसकी जर्नी है, और मान लो इसको 10 मीटर पर सेकंड से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, राइट, यहां तक क्लियर है। तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, और सपोज एट एन एंगल ऑफ क्या किया, 30 डिग्री कर दिया, या चलो 60 डिग्री कर दिया, 60 डिग्री ले लो ये लो। तो इस वेलोसिटी के इस कि जो इनिशियली मैंने इस बॉल को टोटल वेलोसिटी कितनी दी, 10, और इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, 2। हम टोटल वेलोसिटी के साथ काम नहीं करते, हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, 10 इंटू कॉस ऑफ कितना 60, 10 इंटू साइन ऑफ कितना 60। तो हम अपनी कैलकुलेशन इनके साथ करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, बस मुझे ये पता है
कि बॉल को फेंका गया था और बॉल को ठीक है 10 के साथ फेंका गया था, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा बॉल को फेंका गया था, बॉल आगे भी जा रही है और बॉल कुछ देर के लिए ऊपर जा रही है और कुछ देर के लिए नीचे आ रही है। देखो ना, बॉल कुछ देर के लिए ऊपर जाएगी, कुछ देर के लिए नीचे आएगी, लेकिन सामने तो हमेशा जाती ही रहेगी। तो एक्स एक्सिस की जर्नी तो रुकेगी नहीं, सामने तो जाती जा रही है, तो इसमें एक्स एक्सिस में भी मोशन है और इसमें वाई के अलोंग भी मोशन है। तो ये भी 2D की प्रॉब्लम हो गई, इसमें एक्स के अलोंग भी मोशन है एंड वाई के अलोंग भी मोशन है। कोई डाउट इसमें? ठीक। तो किसी ने कहा सर ये कैसे, मतलब किस तरीके से कैसे करोगे इसे सॉल्व? तो मैंने कहा देख, 10 cos 60 को अगर सॉल्व करेगा, cos 60 हाफ होता है, तो आंसर आएगा 5 m/s। तो मैं उस स्टूडेंट को ये कहूंगा, इस बॉल को मैंने इनिशियली या तो ये बोलूंगा नेट वेलोसिटी दी थी 10, नेट वेलोसिटी बोला मैंने 10, या फिर मैं ये बोलूंगा कि मैंने इस बॉल को एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी दी थी 5 और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी दी थी 10 √3/2, सॉल्व करके 8.6 m/s आएगा। ठीक। तो मैंने इस बॉल को इनिशियली एक्स के अलोंग वेलोसिटी दी थी कितनी 5 और इनिशियली वाई के अलोंग वेलोसिटी कितनी दी थी 8.6 इनिशियली। आपने पूछा सर दो वेलोसिटीज क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करे और बॉडी वाई के अलोंग भी मूव करे। तो अच्छा, वो कहता है इसलिए आप चाहते हो 2D मोशन करवाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, यही 2D मोशन करवाना चाहता हूं कि बॉडी आगे भी जाए और बॉडी ऊपर भी जाए। समझ में आ रहा है यहां तक? तो उसने कहा ठीक है, बॉडी ऐसे जाती जा रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सिस क्या होता है? वाई। एक्स में तो कुछ नहीं होता। तो एक्स एक्सिस में जो हमने इनिशियल वेलोसिटी 5 दी थी, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जहां मर्जी ले लेना, ये हमेशा 5 m/s, 5 m/s, 5 m/s एंड 5 m/s। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 5 m/s क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो मैंने पूछा सर फिर वाई का क्या होगा? वो बोलता देखो वाई का ऐसा होगा, वाई की लॉन्ग वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियली उसको फेंका गया था विद अ वेलोसिटी ऑफ 8.6, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज हो गई 7, कुछ देर के बाद हो गई 6, करते करते 4, 3, 2, 1 और क्या हो गई? 0, 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पर फॉर एन इंस्टेंट 0। 0 का मतलब अब बॉडी ऊपर जाना बंद कर देगी। अब बॉडी कहां गिरेगी? नीचे। अब नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी फिर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, करते करते वापस 8.6 m/s। ठीक। तो मतलब y एक्सिस की वेलोसिटी जितनी भी थी, फर्स्ट डिक्रीज बिकम 0, देन इंक्रीज, दैट्स ऑल। लेकिन x एक्सिस के केस में इट विल रिमेन सेम। ये पॉइंट समझ में आया? y क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वैसे भी सोचो, एक पत्थर को जब आप ऊपर गिरते हो विद द वेलोसिटी ऑफ 8.6, सपोज सिर्फ ऊपर गिरना है, प्रोजेक्टाइल नहीं, बस ऐसे, तो ठीक है x एक्सिस को 0 कर दो मोशन को, तो y में मूव करवाते हैं, तो 8.6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.6, जितनी वेलोसिटी से बॉल को गिरा जाता है या फेंका जाता है, उतनी ही वेलोसिटी से बॉल हमारे हाथ में वापस भी आती है, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो वेलोसिटी सेम रहती है। तो वही हो रहा है ना, डिक्रीज 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 0, इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो फिर से, कि जब आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेंगे, या ऐसा बोला जाए पूरी पूरे इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक्स का हिस्सा अलग चलेगा, वाई का अलग चलेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग भी बॉडी मूव करेगी, वाई के अलोंग भी बॉडी मूव करेगी, इसको 2D मोशन बोलते हैं। एक्स के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? देयर इज नो एक्सेलरेशन। वाई के अलोंग चेंज
आएगा, देयर इज एक्सेलेरेशन। क्या ये पहला रूल प्रोजेक्टाइल का क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो मैंने इसमें बोल बोल सिर्फ जी की वजह से, यस, अगर अर्थ की वजह से ना होती फिर ना आता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैंने इसमें लिख दिया कि सपोज 10 मीटर पर सेकंड से बॉल गई 60 डिग्री पे गई, 10 cos 60, 10 sin 60, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जहां मर्जी ले लें इट विल रिमेन सेम है। वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में कितनी है? 10 sin 60 को मैंने सॉल्व किया, मैंने गलत कर दिया, 86 लिख दिया, ये 8.6 है। करेक्शन चलो करनी है कर लो, नहीं करने कोई बात नहीं कर लो, 8. रहने दो, छोड़ो, करोगे तो भी ये भी चेंज करना पड़ेगा 10, ये भी चेंज करना पड़ेगा 10, क्योंकि मैंने ही कहा कि ये 80 या 70 जो भी लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को लगा 86 है, तो 86 70 करते करते जीरो, फिर मैंने इंक्रीज कर दिया। छोड़ो कैलकुलेशन क्या, आपको पॉइंट समझ में आ गया, बस वैल्यू को छोड़ो। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी पहले कम होगी, वाई एक्सिस में फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्स में देयर इज नो चेंज, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वाई में होगी। ठीक है यहां तक? ठीक है, ओके। मैंने अब क्या किया, इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट दिया, जो कि लास्ट ईयर नहीं बांटा था, आपके जो व्हाट्सएप पे वीडियो आया था उसमें